हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। व्यूअर्स, आज का जो हाउस प्लान है वो आपको 20 फीट बाई 35 फीट के ऊपर हाउस प्लान देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने 2 बेडरूम के साथ साथ लेटरिन बाथरूम, किचन और लिविंग रूम बाहर में सीढ़ी किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को ऑल करें आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचने के लिए। तो आप देखते रहिए, हम यहाँ पर ड्राइंग को कंप्लीट करके उसका कलर करके हम आपको पूरा क्लियरली दिखा देते हैं। देखिए, इसका जो मेन एंट्री होगा, एंट्री का डाइनिंग रूम की तरफ से इसका एंट्री होगा। ओके, तो हम यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियरली बताते जाएंगे और पूरा पूरी आपको यहाँ पर हिसाब भी मिल जाएगा। ओके, अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ पर पिलर है और विंडो है वो सब हम कलर कर दे रहा हूँ। उसके बाद वॉल जो है वॉल को भी हम कलर कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए आराम से, कोई दिक्कत ना हो। तब पर भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्ले ज़रूर कर देंगे। देख लीजिए, हम लिख दे रहा हूँ पूरा पूरी, आप इसको देख सकते हैं। विंडो, वेंटिलेटर, लेटरिंग बाथरूम, बारंदा जो भी है। तो देखिए, यहाँ से आप जो पिलर का साइज आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा 10 बाई 10। पिलर हमने 10 बाई 10 रखे हैं। उसके बाद अब यहाँ से एंट्री हो रहा है, मेन डोर है। डोर का साइज हमने 3 फीट बाई 6 फीट रखे हैं। आप चाहे तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, चौड़ा भी कर सकते हैं। ये एक लिविंग रूम है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं सोफा गिरा के, या तो बेडरूम के तौर पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका जो साइज है आप देख सकते हैं, इसका साइज इस साइड 2 12 फीट है और इस साइड 2 आपको हम लिख देता हूँ, देख लीजिए 11 फीट 6 इंच आपको देखने को मिलेगा। तो 11 फीट 6 इंच बाई 12 फीट है ये रूम का साइज। उसके बाद आपको यहाँ पर एक डोर देखने को मिलेगा बेडरूम के लिए, या इसका डोर का साइज हमने 3 फीट बाई 6 फीट रखे हैं। आप चाहे तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ये रूम का जो साइज आपको देखने को मिलेगा, इस साइड का चौड़ाई है 11 फीट और इस साइड का लंबाई है आपको 12 फीट देखने को मिलेगा। तो ये वाला रूम जो है इसका साइज है 11 फीट बाई 12 फीट। उसके बाद यहाँ पर जो है इसका जो चौड़ाई तो है ये आपको 3 फीट देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक डोर, इसका साइज है 3 फीट बाई 6 फीट। उसके बाद देखिए, इधर का जो चौड़ाई तो है ये आपको 11 फीट देखने को मिलेगा और इसका लंबाई आपको 12 फीट देखने को मिलेगा। ओके, तो 11 फीट बाई 12 फीट ये 2 बेडरूम का सेम है, 2 बेडरूम सेम है। उसके बाद यहाँ पर एक डोर, इसका भी हमने 3 फीट बाई 6 फीट रखा है। ये वाला किचन प्लस डाइनिंग हमने रखे हैं इसको, आप चाहे तो आपके हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। इसका जो साइज है वो हमने 8 फीट चौड़ाई रखे हैं और लंबाई तो 12 फीट रखे हैं। ओके, हम लिख देता हूँ, देख लीजिए यह है 12 फीट, तो 8 फीट बाई 12 फीट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर 2 लेटरिन बाथरूम देखने को मिलेगा, एक सेपरेट लेटरिन और एक लेटरिन बाथरूम। ये है एक लेटरिन, इसका जो डोर का साइज है 2 फीट 6 इंच बाई 6 फीट रखे हैं और इसका चौड़ाई है 5 फीट और इधर से है इसका, देख लीजिए ध्यान से, 4 फीट। उसके बाद यहाँ पर बरामदा है, ये बरामदा का जो साइज है वो आपको 10 फीट देखने को मिलेगा और चौड़ाई तो 5 फीट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक डोर है 2 फीट 6 इंच हमने रखे हैं, इसका भाई 6 फीट रखे हैं। इसका जो लेटरिन प्लस बाथ है ये, इसका जो साइज है ये है आपको देखने को मिलेगा 8 फीट और चौड़ाई है 5 फीट। आप चाहे तो इसको सिर्फ बाथरूम के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, आपको जो सही लगे। ओके, उसके बाद देखिए विंडो जो है ना, विंडो हमने 5 फीट बाई 4 फीट करके सभी विंडो हमने रखे हैं। आप चाहे तो आपका हिसाब से 3 बाई 4 या तो 4 बाई 4, आपको जो सही लगे वैसे रख सकते हैं।
अगर आपको वहाँ पर जगह नहीं है तो आप विंडो ना भी रख सकते हैं। यहाँ पर वेंटिलेटर जो है हमने ही एक बाई एक रखे हैं, आप चाहे तो 6 इंच बाई 6 इंच भी रख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए हम इसमें पूरा आपको दिखा दे रहे हैं, लिख दे रहा हूँ। अभी रह क्या है वॉल, सब वॉल का भी हम आपको साइज बता देते हैं। देखिए व्यूअर्स, बाहर का सभी वॉल जो है वो आपको 10 इंच देखने को मिलेगा और भीतर का सभी वॉल हमने 5 इंच रखे हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए सीढ़ी जो है ना, सीढ़ी बाहर से हमने की है पहले जैसे बोले थे। तो देखिए इसका जो टोटल जो है, इसका चौड़ाई तो 25 फीट है और इसका जो लंबाई है वो 30 फीट हमने रखे हैं। हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए, 35 फीट। यह हाउस प्लान आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और एक घर का